प्लीज सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज के वीडियो में मैं बनाऊंगी एक ऐसी रेमेडी जो आपके पिगमेंटेशन को दूर करेगी। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि माउथ एरिया के पास जो स्किन होती है वो डार्क हो गई है, तो उसको लाइट करने के लिए कोई रेमेडी बताएं, तो आज मैं उनके लिए रेमेडी बना रही हूँ। बहुत आसान इजी रेमेडी, सारी चीजें आपको घर में मिल जाएंगी। इस रेमेडी से आपकी स्किन फेयर होगी और दाग धब्बे रिमूव होंगे, पिगमेंटेशन रिमूव होगा, ब्लैक निशान, ब्राउन निशान और एक्ने के निशान रिमूव होंगे। बहुत अच्छी जबरदस्त रेमेडी है। तो यहाँ हमने लिया है आलू, आलू को हमने बिल्कुल अच्छा सा धो लिया है। धोने के बाद हम इसे मोटा मोटा काट लेंगे, काटने के बाद हम इसे ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे। तो यह मैंने इसे सुखा लिया है, बिल्कुल ये ड्राई हो गया, धूप में एक दिन में ही सूख जाता है। मैं क्योंकि अमेरिका में रहती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा धूप नहीं आती इतनी ज़्यादा, तो मैंने इसे हीटर पे रख के सुखा लिया था। क्योंकि छिलके को थोड़ा सा मोटा मोटा काटी, मोटा काटने के बाद इसे सुखा लिया, ये मैंने सुखा लिया। मैं इसका पाउडर बना लूँगी, या मैं इसका पाउडर बना लूँगी। ये हमने पीस लिए सारा, मैं इसे निकाल लूंगी। हम इसे छान लेंगे और ये मोटा मोटा बचा है, मैं इसे भी दोबारा पीस लूंगी। हमारा बिल्कुल बारीक बारीक आलू का पाउडर रेडी है, पोटैटो पाउडर, ये देखें बिल्कुल बारीक रेडी है। हम इसे निकाल लेंगे खाली बोल में, इसको बना के रखने में और रेमेडी में इसको यूज करना बताऊंगा। यहाँ लिया हमने दूसरा बोल, इसमें मैं डालूंगी हाफ टेबल स्पून बेसन, हाफ टेबल स्पून में ये वाला पाउडर डालूंगी आलू का, हाफ टेबल स्पून राइस फ्लावर चावल का आटा, हाफ टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ये चार चीज़ हो गई हैं। हम इसे मिक्स करेंगे अच्छा सा। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने के निशान, पिगमेंटेशन वगैरह हैं, या माउथ एरिया के पास बहुत ज़्यादा ब्लैक स्किन हो रही है, तो आप इसे बहुत सारा बना के रख सकते हैं। इसको अलग ही बना के रखें, इसके मैं आगे और रेमेडी दूंगी। यहाँ मैंने लिया टमाटर, टमाटर के ऊपर हम ये डालेंगे और इसका मसाज करेंगे हम अपने माउथ एरिया के पास जहाँ पे हमारी ब्लैक स्किन है, पूरे फेस पे भी कर सकते हैं। मसाज करें, दो से तीन दफ़ा लें और इसका मसाज करें अच्छा सा। इसमें हमने आलू का पाउडर डाल, हमारी स्किन को फेयर करेगा, ब्लीच का काम करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा। बेसन से डेथ स्किन निकलेगी, स्किन फेयर होगी, ग्लो करेगी। राइस फ्लोर डेथ स्किन दूर से भी यही काम होता है, डेथ स्किन दूर करता है और स्किन को ब्राइट करता है। मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर से स्किन वाइट होगी, फेयर होगी और दाग धब्बे दूर होंगे। टमाटर, टमाटर हमारी स्किन को ग्लो देगा और नेचुरल ब्लीच का काम करेगा। मसाज करेंगे हम दो से तीन मिनट। पूरे दो से तीन मिनट मसाज करें, मसाज करने के बाद इसको छोड़ दें पाँच मिनट। पाँच मिनट के बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी डार्क स्किन वाइट हो जाएगी, फेयर होगी, ग्लो करेगी। इसे मैं छोड़ती हूँ पाँच मिनट, ये देखिए जी हमने इसे छोड़ दिया पाँच मिनट। पाँच मिनट में ये ड्राई हो गया, आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए जी स्किन एकदम साफ और फ्रेश लग रही है। ये वाला हाथ देखे हो, ये देखिए। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इस पाउडर को बना के सेव कर लें, इसे हर दूसरे दिन यूज़ करें, टमाटर के साथ इसे यूज़ करें। इस रेमेडी को वीक में दो से तीन दफ़ा यूज़ करिएगा। फिर मैंने आलू का पाउडर बनाया तो इसे बना के सेव कर लें, मैं आपको आगे इसकी रेमेडी दूंगी। इस बहन की ये रिक्वेस्ट थी, तो आप मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। खुशी दिनों के इस्तेमाल से आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फेयर होगी, ग्लो करेगी और स्किन है ब्लैक स्किन है तो वो वाइट हो जाएगी। देखो आप हाथ पे, पाँव पे, गर्दन पे, फेस पे कहीं पे भी कर सकते हैं। रणजी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल, आप लोग का अपना चैनल, इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगी। और मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है वो भी देखिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे आपके लाइक का, कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने अपने पेरेंट्स का, अपने ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू।